हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं जब लाइव प्रोग्राम कर रहा था, लाइव स्ट्रीम कर रहा था 13/1/2024 का, जो शाम को 6:30 बजे 18:30 का जो लाइव स्ट्रीम था, उसमें एक हमारे व्यूवर या रेल भाई बंधु कहें, उनका एक क्वेश्चन आया कि सर, जब हमारा HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से पेपर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता है। तो हालांकि साथियों, मैं उस जगह पे ही बताया, लेकिन कमेंट्स बहुत सारे के आ रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट में वहां बताए, लेकिन आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपके अपने डिवीजन में, और जब ट्रांसफर होके जाएंगे तो दूसरे डिवीजन में ले जाना है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों, मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लाने का काम करता हूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसलिए मैं आप लोगों की समस्या को एक मुद्दा बनाता हूं और उसी पे काम करता हूं, ताकि जो परेशानी आपके मन में चल रहा है और आप शर्म झिझक से पूछना नहीं चाह रहे हैं इंसल्ट के वजह से, तो घबराए नहीं, आपको बिना बोले ही मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके हाजिर हो जाता हूं। तो साथियों, जो भी क्वेश्चन पूछे उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़े क्वेश्चन किए, जो कि अब तक हमने भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया था इस मुद्दे के ऊपर, जो कि आज लेके आया हूं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखें, नहीं तो एक भी पॉइंट छूटा तो आपको ज्वाइनिंग के समय में दिक्कत होगा, पोस्टिंग के समय में दिक्कत होगा। तो साथियों, सबसे पहले बात है कि आपके डिवीजन से आपके स्टेशन पे जब वो आपके रिलीविंग लेटर जारी होगा, रिलीविंग लेटर मिलेगा, तो वहां से आपको वो स्पेयर लेटर आपके सुपरवाइजर महोदय बनाएंगे और एक कच्चा LPC बनाएंगे। मतलब वो जो वो आपके स्टेशन से होगा, आपके उसमें ब्यौरा रहेगा, आपके छुट्टी वगैरह पास PTO का जिक्र रहेगा, मेडिकल इशू जो भी रहेगा उसका डिटेल उसमें रहेगा, वो लेटर होगा, एक स्पेयर लेटर होगा। उस टाइम आपको 4 से 5 फोटो लगेगा, ऐसे मैक्सिमम 2-3 फोटो में भी काम चल जाएगा, वहाँ पे चिपकाने के लिए, एक रिकॉर्ड कॉपी में रखने के लिए, और एक जगह आपको अटेस्टेड करने के लिए वो लगेगा। उसके बाद जैसे वहाँ से स्पेयर लेटर और एक लीव शीट है और जो कच्चा LPC है, उसको आप ले जाके अपने डिवीजन में जमा करेंगे। अब वो डिवीजन के जो DC महोदय होंगे, वो सारी चीज़ों को रख लेंगे, और वहाँ पे भी वो दूसरे डिवीजन के लिए स्पेयर लेटर जारी करेंगे, और साथ में जो आप LPC जो कच्चा था वो उसको कवरिंग करेंगे, और जो आपका लीव शीट है तो हो सकता है कि वो साथ में आपको दे दें, या तो बाद में भेज सकते हैं SR वगैरह के साथ में। और वहाँ पे भी 4-5 फोटो आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 लेटर जारी होता है, सभी पे आपके फोटो साइन मुहर लगते हैं। वो चीज़ आपको वहाँ से करने के बाद, वहाँ से एक फ्रेश डिवीजन के लिए, दूसरे डिवीजन के लिए आपको जो स्पेयर लेटर मिलेगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा। अब साथियों, जैसे ही आप दूसरे डिवीजन में जाएंगे, तो वहां के DC महोदय को वो स्पेयर लेटर, डिवीजन का स्पेयर लेटर आप देंगे, तो वो लेटर लेने के बाद वो आपको फिर स्टेशन अलॉट के लिए लेटर जारी करेंगे। वहां पे भी आपको 4 से 5 फोटो लगेगा, और उसके बाद जब आपको स्टेशन जाएंगे, तो वहाँ पे आपको उस डिवीजन का स्पेयर लेटर और जो वहाँ से आप LPC कच्चा लाए थे वो आपको साथ में ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे भी 1-2 फोटो लगेगा आपका, जो डिटेल वगैरह भरने के लिए। तो कुल मिला के आपको स्पेयर लेटर का खेला है और फोटो
जब भी आपका रिलीविंग हो तो आप एक्स्ट्रा में 25 से 30 फोटो आप रख ले अपने पास में, क्योंकि हर जगह दो चार फोटो की आवश्यकता तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये सेम फोटो रहने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आप वहाँ पे कोई फोटो लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई फोटो लगा रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग एक फीलिंग होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि हर जगह जो फोटो का लुक है वो एक ही होना चाहिए, एक ही फोटो होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना। दिक्कत ये नहीं होगा, लेकिन आपको एक मतलब अजीब सा लगेगा। बाकी अगर नहीं है तो आप दूसरा फोटो लगा सकते हैं। तो यही था कुल मिला के कि आपके स्पेयर लेटर का खेल जो कि आपको करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। और अगर आपको LPC कच्चा वाला देते हैं, जो क्योंकि LPC जो ओरिजिनल होता है अकाउंट वेटेड डिवीजन से होता है, वो महीना दिन बाद या 15 दिन के बाद आपके पास आएगा, या तो भेजेंगे या तो वो बुलाएंगे, तो आपको लेने जाना पड़ सकता है। और SR वगैरह है वो आपको बाद में भेज दिया जाएगा। और साथियों वहाँ से आए तो अपने स्टेशन से जो भी बकाया है छुट्टी वगैरह वो सब एक कच्चा में CL वगैरह है, पास PTO है, उसको लिखवा लें। किसी प्रकार के आपका जो हाउस रेंट वगैरह, जो रेलवे क्वार्टर वगैरह ले रखे हैं, वो सबको नोट ड्यूज करवा के आएँ, खाली करके आएँ। अगर कोई सोसाइटी वगैरह चल रहा है तो उसे भी क्लियर करके आएँ। तो ये तमाम सारे आपको पेपर और काम करके आना पड़ेगा, ताकि आपको ज्वाइनिंग जो दूसरे जगह स्टेशन में पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों यही छोटी सी जानकारी था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था, जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने का काम किया हूँ। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।